हाँ जी, तो जितने भी मेरे CMA इंटर वाले बच्चे हैं जो ग्रुप 1 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट पेपर होता है वो है आपका टैक्स का, जिसके अंदर इनकम टैक्स और क्या नाम है GST और कस्टम्स वगैरह मिलाकर जो पेपर आता है, और जब भी पेपर मिलाकर आता है इतने सारे प्रोविजन होते हैं तो बच्चों को हो जाती है प्रॉब्लम। उसका एक वन शॉट सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या कि मैं आपको पहले समझाऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं इनकम टैक्स से, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स से, किस तरीके से प्लानिंग आप कर सकते हैं। जब इनकम टैक्स को आप तैयार करेंगे तो ऐसा समझेगी हम पूरा इनकम टैक्स तैयार करके जाएंगे, और पूरा इनकम टैक्स इस बार मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या क्या पढ़ना है, मैं खुद रिवाइज कराऊंगा। तो वीडियो को देखना पूरा, पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा आपको कैसे आप बहुत कम और सिलेक्टिव स्टडी के साथ 70+ इवन आप स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहले मैं आपको समझाता हूं कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो भाई सेक्शन ए आता है, 15 MCQs आते हैं, 30 मार्क्स के लिए आते हैं। इन MCQs के लिए एक प्रॉपरली अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं कि कितने MCQs इनकम टैक्स से, कितने MCQs GST या इनकम आपके कस्टम से आते हैं, और कहां कौन से चैप्टर से बनाए जा सकते हैं। तो MCQ के ओरिएंटेड अगर एक वीडियो चाहिए या MCQ प्रैक्टिस आपको वीडियो चाहिए कि सर कुछ बहुत सारे 100 MCQs कम से कम कराओ इनकम टैक्स के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है आपका कि भाई ये वाले जो 2 से लेके आपके क्या नाम है कहां से क्वेश्चन है 8 तक क्वेश्चन है, इनका क्या करना है। मैंने कहा देखो जरा ध्यान से बताता हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा आपका सेकंड नंबर वाला, वो आएगा आपका टैक्सेबिलिटी, रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप मिलाकर, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप। और सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं सिर्फ बता नहीं रहा आपको, इसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैं रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप की आपको, और वन शॉट होने वाली है, 30 मिनट के अंदर आपको पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप रिवाइज करा दूंगा मैं। वीडियो कैसे लेनी है, चैनल पर भी अवेलेबल है, पर्सनली लेनी है तो आप कैसे ले सकते हैं, जो जो मैं चैप्टर बताऊंगा आपको, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन और क्या नाम है अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, इन सब की वीडियो वन शॉट वीडियो क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको क्या करना है, बस इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है कि सर हमारा नाम ये है, सेट ये है, कोर्स ये है, हमारी क्वेरी है कि क्या नाम है हमें इनकम टैक्स रिविजनरी वीडियोस, यहां पर आपको लिखना है और आपको इसी वीडियो को लाइक भी करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और उस पर कमेंट भी करना है, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देगा सारी की सारी। इस बार GST की नहीं, इस बार मैं आपको दूंगा इनकम टैक्स की रिविजन, और पहला मेरा टारगेट होगा आपको कि इस बार बच्चों की एग्जेम्पशन दिलानी है टैक्स में, चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, लेकिन पहले जो मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं वो कराऊंगा मैं इनकम टैक्स की, उसके बाद जो तैयारी कराऊंगा वो कराऊंगा GST की, और पेपर आपके ध्यान रखना 70+ 110% आएंगे अगर आप उन क्वेश्चन को करके चले जाएंगे जैसा मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा उसकी तैयारी मैं कराऊंगा आपको। सर जो कॉम्बिनेशन बन के आता है वो आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस सैलरी के साथ, तो इसका मतलब जो बच्चे कोई चैप्टर छोड़ के जाना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर्स कभी भी ना छोड़े कि रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया सैलरी छोड़ दिया, तो आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, आधा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है हाउस प्रॉपर्टी और PGBP से, हर बच्चे का डाउट रहता है सर PGBP में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे एक वीडियो दूंगा आपको, आप बताना उसके बाद क्या नाम है प्रॉब्लम रह जाए क्या, उन्होंने खुद आपके सिलेबस में लिखा है कि हम आपसे PGBP के बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम आपसे PGBP के डेप्रिसिएशन बेस वाले मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी का जो PGBP है वो आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, वो आपके फाइनल के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है सर। फिर आते तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या बना सर, हाउस प्रॉपर्टी और PGBP का कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन किस चीज का बना सर, कैपिटल गेन और IOS प्लस डिडक्शन, यानी कि IOS प्लस डिडक्शन मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको देखो जरा जहां जहां मैं आपको क्या बनाऊं, जहां जहां मैं आपको किस कलर से बना के बताऊं, जैसे मान के चलिए जिस जिस पे मैं स्टार बना रहा हूं उन सबकी वीडियोज में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि मैंने सेकंड के ए पार्ट की बात कही, हाउस बडी की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको, PGBP के डेप्रिसिएशन की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको, कैपिटल गेन की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको, और डिडक्शन की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको, और सेट ऑफ की भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको, और अगर बोलोगे तो बहुत जल्द मैं आपको एक इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन वीडियो जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है, कमेंट करके बोलिएगा अगर आपको अमेंडमेंट चाहिए तो इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिनके सभी की रिविजनरी वीडियोज मैंने चैनल पर भी डाली हुई है। अगर किसी बच्चे को ना मिले या प्रॉब्लम आए ढूंढने में या कुछ कम मिले तो पर्सनली मुझे बताना कि सर आपने इन इन चैप्टर्स का बोला
बोला था और इसका रह गया, तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो ध्यान रखिएगा इस बार मैं। और जो सिक्स क्वेश्चन आता है वो किसका आता है सर? थ्योरी का आता है, जिसमें कंबाइंड थ्योरी आती है, ये कुछ उसके टॉपिक है। मैं अभी सेवन्थ और एट्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा पूरा फोकस है आपका क्वेश्चन नंबर पांच तक आपकी तैयारी कराना। यहां तक मेरा पहला टारगेट है, आप सभी की यहां तक तैयारी कराना। वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, जब मैं आपको चीजें भेज दूं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको जेन्युइनली हेल्प हुई है। बहुत कम समय में 30 मिनट 28 मिनट 22 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करा के, क्वेश्चन भी करा के मैं आपको चीजें करा रहा हूंगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को 100% लाइक कर देंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जो आप टॉपिक बताएंगे कि सर जीएसटी की भी स्ट्रेटेजी वीडियो लाइए और रिविजनरी वीडियो के साथ लाइए, अगर आपको चाहिए तो भाई आप इस वीडियो पर 200 लाइक्स का टारगेट जो है पूरा कराएंगे। जैसे ही 200 लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा, मैं आपके लिए जीएसटी की आपके रिवीजन, वन शॉट रिवीजन हर एक चैप्टर के मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता टैक्स का। जितना मैंने देखा है सीएमए के अंदर, पेपर जो मुश्किल आते हैं वो आते हैं कॉस्ट के और मैनेजमेंट अकाउंट के। तो जो भी बच्चे टैक्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी कोचिंग लिए आपने बच्चे, आप मेरे साथ तैयारी कीजिएगा और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल पर रिविजनरी फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और जल्दी से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कराएंगे। और उसके बाद हमारे क्या नाम है चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें आपके ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों के लिए मिलने वाली है। सीएमए स्पेसिफिक चीजें आपको मिलने वाली है, आपके पेपर पैटर्न, आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके एबीसी एनालिसिस, सारी चीजें जो मिलेंगी वो सीएमए ओरिएंटेड मिलेंगी। तो अच्छा है हम अपनी सीएमए फिटनेस के साथ पहुंचेंगे, सीएमए वाले बच्चों के साथ पहुंचेंगे ज्यादा से ज्यादा। वीडियो को लाइक कर दोगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंच जाएगी। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। मुझे बताना इनकम टैक्स के एमसीक्यूज पहले आपके लिए लेके आऊं कम से कम प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर पहले जीएसटी की स्ट्रेटेजी लेके आऊं, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा लेके आऊंगा। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।